हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके बिना हमारा खाना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रायता की रेसिपी। और ये रायता हम बनाएंगे लौकी से और बहुत ही डिफरेंट वे में, जिससे कि हमारा बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रायता बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम लौकी को इस तरह से छील लेंगे। और लौकी हमें रायते के लिए जो भी लौकी लेते हैं वो बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। तो हम इसको नेल्स की हेल्प से देख लेंगे लौकी मुलायम है या टाइट है। देखिए, लौकी हमारे छील चुके हैं और इसको हम धो लेंगे। यहाँ लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया था, अब हम इसको करेंगे ग्रेट। देखिए, लौकी हमारी हो गई है ग्रेट। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक बर्तन में गरम करेंगे तेल और उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और इसमें हम अपनी लौकी को डाल देंगे। इसको हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे। डालेंगे नमक और हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको हमको हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो जब तक लौकी हमारी गल रही है, हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे दही, करीब 1 कप दही है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा छाछ। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और नमक हम थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हमने लौकी में भी डाल रखा है। और डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, थोड़ा सा रायता मसाला और आधी चम्मच भुने जीरे का पाउडर। तो हमारा दही तैयार हो गया और यहाँ पर हमारी लौकी भी देखिए पक चुकी है। इसको हम इस तरह से पूरी अच्छी तरह से गला लेंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडी होने के बाद इसमें हम दही में इसको मिक्स कर देंगे और इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करके ही मिक्स करना है। तो रायता हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च और धनिया के पत्ते। और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो छौंक लगाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने हींग और जीरे का इसमें छौंक लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में हींग और जीरे को गरम कर लिया था, भून लिया है। और इसको हम डाल देंगे रायते में, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो लीजिए, तैयार है हमारा रायता। आप इसको स्टर्ड पराठे के साथ या फिर किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।